आपके घर पे कपड़े धोने, स्नान या अन्य कामों के लिए आप पानी का प्रयोग तो जरूर करते होंगे, और यही पानी यूज होने के बाद गटर या नाली से आपके घर से बाहर निकल जाता है। क्या हो अगर वो गटर और नाली खराब हो जाए और यूज किया हुआ यह गंदा पानी आपके घर में ही इकट्ठा होने लग जाए? सिंपल सी बात है, यह गंदा पानी इकट्ठा होने से घर में बदबू आने लग जाएगी या फिर वो गंदे पानी के कारण बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी जो यह गंदा पानी घर में इकट्ठा हो रहा है उसे बाहर निकालने का इंतजाम करना चाहिए। एकदम सही बात है, कुछ इसी तरह का फिनोमिना या कुछ इसी तरह की चीज आपके शरीर में होती है जब आप यूरिन या पेशाब के वेग को रोकते हैं। आयुर्वेद में कई तरह के वेग कहे गए हैं, उसमें से एक वेग, वेग का अर्थ होता है नेचुरल अर्जेस जो शरीर अपने आप पैदा करता है। तो आयुर्वेद में कई तरह के वेग कहे गए हैं, उनमें से आज हम बात करेंगे मूत्र या फिर यूरिन का वेग रोकने से होने वाली बीमारियां या समस्याएं, और उसमें आपको क्या उपचार करना चाहिए जिससे कि आपका शरीर और सिस्टम दोनों सुरक्षित बना रहे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद की या फिर आयुर्वेद के शास्त्रों की वही बातें जो एकदम 100% सही है। और आज हम बात कर रहे हैं वेगों को रोकने से होने वाली बीमारियों के बारे में। चरक ऋषि ने सबसे ज्यादा फोकस किया है वेगों के बारे में। उनका ऐसा कहना है कि कभी भी शरीर में वेगों को नहीं रोकना चाहिए। जानवर शायद इसीलिए बहुत ज्यादा हमसे स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह के वेग को नहीं रोकते। अब यूरिन या पेशाब, इसे कभी ना कभी हमें मजबूरी में और कभी कभी जानबूझ के रोकना ही पड़ता है। जैसे कि बस या सार्वजनिक जगहों पे आप ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पे यूरिन करने की व्यवस्था नहीं है, तो उस समय हमें पेशाब या मूत्र के वेग को रोकना पड़ता है। या फिर बहुत बार टीवी देखते समय या फिर क्रिकेट मैच चल रहा है और किसी की सेंचुरी होने वाली है, या सीरियल या मूवी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है, तो उस समय हम ऐसा सोचते हैं कि यार अभी थोड़ा इसको रोक लेते हैं और थोड़ी देर के बाद जाके इसे कर लेंगे। पर यही वेग रोकना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। क्यों? चलिए आयुर्वेद के एक श्लोक को जानते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4th अध्याय और 4th श्लोक, इसमें वाग्भट ऋषि ने मूत्र, यूरिन या पेशाब, इसे रोकने से क्या क्या बीमारी होती है उसे कहा है। वो कहते हैं अंग भंग अश्मरी बस्ती मेढ्र वंक्षण वेदना। कहते हैं कि सबसे पहले तो शरीर में बहुत ज्यादा पेन होना, या अगर ऐसी बीमारी है आपको जिसमें ऐसे लग रहा है कि शरीर टूट रहा है, शरीर में टूटने जैसा दर्द या तकलीफ हो रही है, तो उसका एक कारण मूत्र के वेग को या पेशाब को रोकने का कारण हो सकता है। दूसरी चीज अश्मरी पथरी, आज के जमाने में रिनल स्टोन या रिनल कैलकुलस किडनी में, उसके आसपास में बहुत बार पथरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, और यह पथरी होने पर ज्यादातर लोग जाकर ऑपरेशन ही कराते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये पथरी होती क्यों है? ऐसी क्या बात है कि हमारे शरीर में पथरी हो गई? तो उसका सबसे जो मुख्य कारण है वो है यूरिन, मूत्र या पेशाब के वेग को रोकना। क्या होता है कि आपका शरीर, जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, उसे बार बार किडनी फिल्टर या क्लीन करते रहती है, और यूरिया, क्रिएटिनिन ऐसे विषयों को मूत्र से बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब हम यूरिन या पेशाब के वेग को रोकते हैं तब यही जो यूरिया, क्रिएटिनिन ये सब है, यह फिर से ब्लड में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये वहां पे पड़े पड़े शरीर में क्रिस्टल्स या पथरी बनाने का काम चालू कर देते हैं। फिर कहा गया है बस्ती मेढ्र वंक्षण, अर्थात जो भी नाभि के नीचे का जो भी एरिया है या मूत्र वह संस्थान जो है, किडनी, यूरेटर, इन सभी जगह पे बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होना, या फिर टेस्टिस या नाभि के नीचे का जितना भी हिस्सा है उस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द या तकलीफ होना, यह सभी बीमारियां यूरिन के रोकने के कारण हमारे शरीर में होती है। चरक ऋषि ने तो कहा है कि सिर दर्द,
आपको बहुत बार सिर दर्द की बीमारी या सिर दर्द की समस्या होती होगी। लोगों को ऐसे लगता है कि सिर दर्द केवल टेंशन या ऐसे ही बाकी चीज़ों से होता है, पर उसका एक मुख्य कारण वेगों को रोकना है। अर्थात यूरिन का वेग रोकने से आपको सिर या उसके आसपास की बीमारियां भी होती है, जैसे कि आँखों की समस्या होना और हृदय के रोग, हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ भी पेशाब रोकने से होती हैं। हमारे शरीर में मर्म है ऐसे पॉइंट जहां अगर मारा जाए तो आदमी की मौत हो जाए। उसमें से जो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट मर्म हैं, किडनी, बस्ती, हृदय और सिर, अर्थात किडनी, हार्ट और ब्रेन, यह तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट मर्म हमारे शरीर में हैं। और एक मर्म में या एक जगह पे अगर बीमारी हो तो बाकी दो भी खराब होते हैं। तो पेशाब रोकने से अगर आपके किडनी संबंधी बीमारी होगी तो वो आगे चल के हृदय या सिर की भी समस्या पैदा करती है। इसलिए यूरिन के वेग को रोकना बहुत खतरनाक या खराब है। अब एक सवाल उठता है कि ठीक है, यूरिन और इन सभी के वेगों को नहीं रोकना चाहिए, पर बहुत बार मजबूरी के कारण रोकना पड़ता है तो क्या करें? अगर आप मजबूरी के कारण कभी यूरिन या पेशाब के वेग को रोकते हैं किसी भी समस्यावश, जैसे कि ठंडियों के मौसम में बहुत ठंडी होने के कारण यूरिन का प्रेशर तो आया रहता है पर हम चाहते नहीं क्योंकि ठंडी बहुत होती है, या फिर टीवी, बस, कंप्यूटर इन सभी में बिजी होने के कारण, या ट्रैवलिंग के समय हम कभी ना कभी वेगों को रोकते हैं, तो उसका इलाज आयुर्वेद में कुछ इस तरह कहा गया है कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप कभी भी इन चीज़ों को ना रोके। अर्थात स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ भी आपको शौचालय या टॉयलेट मिले वहाँ पर जाकर आप यूरिन के प्रेशर से मुक्ति पा लें। दूसरी चीज, आयुर्वेद कहता है कि जो भी वेग हैं, जो भी नेचुरल अर्जेस हैं, उनको रोकने से शरीर में हवा या वायु बिगड़ती है। अब जो नीचे की तरफ जो हवा काम करती है उसका नाम है अपान वायु। वो हवा ना बिगड़े इसके लिए आयुर्वेद में लिखा है प्राग भुक्तम शस्यते घृतम, अर्थात खाना खाने के पहले घी खाना। जब आप खाना खाने बैठे तो दो या तीन चम्मच घी को खा के हल्का सा उसे गुनगुना करके आप उसे पी ले या खा लें, और इसके बाद भोजन करें। इस तरह खाया गया घी जो भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा है, घी के बारे में हमने पिछले दो वीडियो की दो बूंद जिंदगी के और उधार लो पर घी खाओ तो पूरा ये साइंस एक्सप्लेन किया है। तो खाने के पहले अगर आप पहले घी खाएं और फिर ऊपर से भोजन करें तो यह जो भी हवा बिगड़ी है उस हवा को फिर से नॉर्मल करता है, और जो भी यूरिन रोकने के कारण टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए थे किडनी और उसके आसपास के एरिया में, उन सभी को भी बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरा उपाय ये है कि पेट पे तेल लगाना और हल्का सा स्वेद लेना। अब यूरिन रोकने से उसके आसपास का जितना भी पेट का एरिया है उस जगह पे आपको रोज स्नान से पहले ऑयल लगाना चाहिए और हल्के गुनगुने पानी से सेक करना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ की जो भी वायु रुकी है या जो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो सभी के सभी फिर से नेचुरल हो जाते हैं। आगे चल के जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि किडनी फेल्योर, क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिया का लेवल बढ़ जाना या पेशाब कम मात्रा में आना, पेशाब में बहुत जलन होना, ऐसी समस्याओं से आप बचे रहते हैं। चौथी चीज है खान पान में ऐसी चीजों का प्रयोग करना जो किडनी और यूरिन को ज्यादा से ज्यादा साफ करती हैं, जैसे कि नारियल पानी, वो किडनी को साफ करने के लिए अच्छी दवा है, या फिर गर्म पानी पीना, उसे भी बस्ती शोधन अर्थात शरीर में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर इन सबको साफ करने वाला कहा गया है, या फिर धनिया का पानी, सूखा धनिया का पाउडर 20 ग्राम लेके उसे 2 लीटर पानी में डालकर उबाल लो। जब ये उबलते उबलते आधा हो जाए, 1 लीटर हो जाए, तो इस पानी को छान के रख लें और इस पानी को रोज सुबह से लेकर दोपहर तक पी के ख़त्म कर देना चाहिए। 7-8 दिन तक पिया गया यह पानी किडनी को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और आखिरी चीज, नित्य बस्ती का प्रयोग करें। अब हवा की जितनी भी बीमारियां हैं या हवा की जितने भी रोग हैं, खास करके जो वेग रोकने के कारण होते हैं, जैसे कि यूरिन, पेशाब, इन चीज़ों को रोकने के होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि बस्ती अर्थात एनीमा, पानी वाला नहीं। आयुर्वेद पानी वाला एनीमा को बिल्कुल मना करता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि बस्ती मतलब केवल पेट साफ करने की दवा,
ऐसा नहीं, बस्ती अर्थात जहाँ से पेट साफ होता है लैट्रिन मार्ग से, उस जगह से 20 से 30 ml या 60 ml ऑयल चढ़ाना शाम को खाना खाने के बाद। यह बस्ती सभी तरह के वायु के रोग और खास करके नाभि के आसपास का आपका जो कोई भी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उसमें होने वाली बीमारियां या समस्याओं को ठीक भी करता है, बीमारियों से बचाता भी है। तो रोज खाना खाने के बाद 20 से 30 ml तेल या घी का बस्ती लेना एक कमाल की चिकित्सा है यूरिन या पेशाब रोकने के कारण होने वाली बीमारियों में भी और किडनी को नए जैसे बनाए रखने के लिए भी। तो इसका प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। यह बस्ती आप किसी भी नजदीकी आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर या अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर सीख सकते हैं और उसका प्रयोग आप घर पे जरूर कर सकते हैं। तो यूरिन या पेशाब इसका वेग कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे कि कहावत है, जवानी पे चढ़ा शबाब और जोर का लगा पेशाब, ज्यादा समय तक नहीं रुकता। यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप आयुर्वेद में कौन सी विशेष जानकारियां जानना चाहते हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि ऐसी ही शुद्ध आयुर्वेद की जानकारी आपको मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें जिससे कि नया वीडियो आते ही आपको मैसेज मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वेगों को कभी ना रोकें। धन्यवाद।